अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे विद्यार्थियों, सुफाई क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले हमने आपको चैप्टर क्रमांक एक का वीडियो भिजवाया था, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक दो। पाठ क्रमांक दो, खोया हुआ आदमी, सुशांत सुप्रिया द्वारा लिखे। विद्यार्थियों, सुशांत सुप्रिया जी ने इसका वर्णन किया है। इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है कि समाज में प्रचलित कुरीति, परंपरा, जाति भेदभाव, इसको दर्शाया गया है। और इसको किसके माध्यम से दर्शाया गया है? एक खोया हुआ आदमी के माध्यम से। तो आज हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ इसको स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ संबंधी मुद्दे। पहले परिच्छेद में बताया गया है कि खोए हुए आदमी का किस तरह से वहां गांव में आगमन हुआ। बच्चों, जब खोया हुआ आदमी पाठ में आया, जब उस गांव में आया, तो वे चिथड़ों से लिपटा हुआ था। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़ों से लिपटा हुआ था और कई कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे और कई लोग उसको पागल समझ रहे थे। एक भला आदमी वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस खोए हुए आदमी पर पड़ी, उसने उसे अपने साथ गांव लेकर आया। और गांव लाने के बाद जब वे सारे लोगों के सामने आया, तो सारे लोगों को उसके चेहरे पर गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। गरिमा का चिन्ह का अर्थ होता है बेटा गौरव, गौरव। तो इस प्रकार से सब गांव वालों ने कहा कि इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई खोया हुआ आदमी है या कोई ये अजनबी है, ये तो हम में से ही एक लगता है। फिर उसको सारे लोगों ने ये तय किया कि अब हम इस व्यक्ति को खोया हुआ आदमी कहकर पुकारेंगे। कई लोग उसके समर्थन में थे, पर कुछ लोग उसके समर्थन नहीं थे। वे लोगों का कहना था कि ये नया आदमी है, ये हमारे बीच का नहीं है, पता नहीं किस प्रकार की समस्या का यहाँ पर निर्माण करेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ का हमारा पहला गांव में आगमन, तो इस तरह से उसका गांव में आगमन हुआ। अब देखते हैं उस व्यक्ति की विशेषताएं, उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या थी। लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति की आवाज बड़ी मधुर थी। वे जब भी अपनी सुरीली आवाज में कोई गाना गाता था, तो जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, गांव के गाय भैंसे हैं, ये सारे लोग उसके तरफ आकर्षित होते थे। जब बच्चा कोई रोता, वे गाना गाता, तो बच्चा खामोश हो जाता और उसके तरफ आकर्षित हो जाता। जब कोई वृद्ध, यानी जो एडल्ट है, जो वृद्ध है, जो ओल्ड मैन है, जब वो उसका गाना सुनते, तो अपनी युवावस्था में चला जाते। युवावस्था मतलब युवा, यंग, तो अपनी जवानी के दिन उनको याद आ जाते थे। और जब लोगों ने देखा कि इसकी आवाज इतनी मधुर है, तो लोगों को अपने गांव में कुछ बदलाव नजर आने लगे, जैसे कि फूल अधिक खिलने लगे, तितलियां अधिक मोहक लगने लगी। बच्चों, ये था उसकी विशेषताएं। अब देखते हैं उसकी स्थिति, उसकी स्थिति किस प्रकार से थी। जब व्यक्ति, जब खोया हुआ व्यक्ति जब इस गांव में आया, तो उसकी सिचुएशन कैसी थी। बच्चों, पहली चीज तो ये कि वो अपनी स्मृति का लोप हो चुका, उसकी सारी स्मृति का लोप हो चुका था। यानी वे स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, लोप हो जाना, नाश हो जाना, खत्म हो जाना। तो इस प्रकार से उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका, उसकी याददाश्त, जिसको कहेंगे हम सरल अर्थों में, उसकी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। और उसको ना अपनी जात का पता था, ना अपने धर्म का पता था, ना उसे अपना नाम तक याद था। उसके बाद जब वो सारे लोगों को अपने गीत से प्रभावित कर लेता था, प्रभावित करने के बाद में सारे लोग उसके प्रशंसनीय हो गए और वो गांव में सबका प्यारा हो गया। एक बार एक वृद्धा ने देखा, एक स्वप्न देखा, उस गांव में एक वृद्धा रहा करती थी, जिसको ना उसके पति का देहांत हो चुका था, ना उसके बाल बच्चे थे और ना उसके साथ में और कोई रहता था। उसने एक सपना देखा, उस सपने में उसने देखा कि ये खोया हुआ आदमी असल में उसी का खोया हुआ बेटा है। तो जब उसने अपना ये सपना उस खोए हुए आदमी को सुनाया, तो वे कहने लगा कि हाँ, चलो मुझको भी माँ का प्यार मिल गया, और वे उस वृद्धा के साथ रहने लगा। वृद्धा अपना जीवन यापन करने के लिए गोबर के उपले थोपना, घास काटना, लकड़ियों को चुनकर बेचना, यह कार्य किया करती थी। उसके बाद खोया हुआ आदमी उसके साथ रहने लगा।
और रहने के बाद में उसने उनकी खूब सेवा करने लगा। अब उसको एक रहने के लिए भी घर मिल गया था और वहां पर साथ में सारे गोर गांव वालों के साथ में रहकर वे भी क्या हुआ उनमें घुल मिल सा गया। घुलने मिलने के बाद में उसने देखा कि गांव में कुरीति यानी जाति आपस में भेदभाव बहुत है, जैसे कि किसी की जाति को लेकर भेद है, किसी को धर्म को लेकर भेद है, स्त्री शिक्षा और वहां पर स्त्रियों को शिक्षा करने प्राप्त करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। उसके बाद में उसने देखा कि गांव के किनारे एक नदी है और नदी के किनारे कुछ दलित और मुस्लिम लोग रहते हैं। वे उनको कहने लगा कि जिस प्रकार से गांव के अन्य लोग रहते हैं उसी तरह से तुमको भी उनके साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार है। और उसने उनको अपने अधिकार हासिल करने के लिए प्रेरित किया और वे लोग भी अपना अधिकार मांगने लगे। लोग उसने जब देखा जब सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे तो बच्चों उसने देखा कि गांव के लोग जब कृषि का मौसम आता है यानी बरसात का मौसम आता है जब कृषक अपनी खेती में बीज बोई करता है तो उसने देखा कि गांव के लोग जो है वो बाहर के कस्बों में जाकर के खेती करते थे। हालांकि गांव के लोगों के पास में भी खेती उत्पन्न थी, बहुत ही उपजाऊ नहीं थी, पथरीली जमीन थी। तो उसने उनको कहा कि तुम लोग अगर से एक साथ मेहनत करो तो तुम लोग क्या कर सकते हो अपने खेत में ही अपने अच्छे से खेती कर सकते हो, खाद का तुम खुद निर्माण करो। वे लोग अपनी खाद गांव वालों को दूसरे गांव के लोगों को देते थे। करीबी कस्बे की दूरी जो उस गांव से 2-3 दिन की थी तो उसने उन लोगों को प्रेरित किया कि तुम खुद लोग अपने गाँव में खेती करो और उसी में अपने साथ खाद का भी निर्माण करो। तो लोगों ने उसकी बात को और उसने और उन लोगों के साथ में उसने काम करके बताया कि इस तरह से कार्य करो। तो इस प्रकार से बच्चों उसने अपना उनके साथ मिलकर कार्य किया और उनको बताया कि किस तरह से हमने खेती करनी चाहिए, किस तरह से हमने खाद का निर्माण करना चाहिए। जब बरसात होती थी तो एक बार तो उस गाँव में कहत पड़ गया यानी वर्षा बिल्कुल ना हुई। तो उसने देखा लगा वाले ने देखा कि भगवान से कोई तो भाषा में बात कर रहा है और उसके बात करने के तुरंत बाद जो है वर्षा होने लगी। गांव के लोगों की नज़रों में उसकी और जो है प्रशंसा और इज्जत बढ़ने लगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से उसने गांव की समस्याओं का धीरे धीरे नाश किया। फिर उसके बाद में जब जिस प्रकार से उसने आपस में जाति का धर्म का विनाश किया यानी लोगों के दिलों में से आपसी भेदभाव को खत्म किया, उसके बाद में एक बड़ी गंभीर समस्या उसके सामने थी, वो थी बच्चों स्त्री शिक्षा। क्योंकि स्त्री शिक्षा को पहले से ही हमारे भारतीय समाज में मान्यता नहीं है, स्त्रियों को पढ़ने को मना किया जाता था। बट उसने जब देखा कि स्त्रियों पर यहाँ पर जुल्म होता है, स्त्रियों पर कई तरह के अत्याचार होता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, बस एक घर में रखा जाता है, तो उसने सारी स्त्रियों को जमा करके उनको क्या किया मोटिवेट किया कि तुमको भी इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जिस तरह से मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है आगे बढ़ता है उसी तरह से तुमको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो बच्चों उन्होंने उसको प्रेरित किया, सारी स्त्रियों ने अपनी मांग की और उसके बाद में उन सारी स्त्रियों ने भी अपने मांग की और उनको वहां अधिकार प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों तो इस कहानी में इस प्रकार से लेखक ने हमको बताया कि समाज में जिस तरह से ये परंपराएं प्रचलित थी, स्त्रियों को पढ़ने लिखने न देना, उसने वो खत्म कर दिया, आपस में जाति भेदभाव सारी भेदभाव उसने खत्म कर दिए। अब एक समय ऐसा आया कि जब सारे गाँव वाले मिलजुल कर रहने लगे, एक समय ऐसा आया कि गांव में भयानक तूफान आया और तूफान आने के बाद में गांव में गंधक एक धातु है मेटल जिसकी बदबू पूरे गांव में फैलने लगी। कड़क बिजलियां इस प्रकार से कड़कती थी ऐसा लगता था कि सूर्य का आभास हो रहा है, ऐसा लगता सूर्य अभी अभी निकल रहा है। सारे लोग अपने गांव में अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। जब तूफान थमा, सूरज निकला, दिन हुआ तो सब लोगों ने यह पाया कि खोया हुआ आदमी अब हमारे बीच में नहीं है, वो वहां से जा चुका था। कई सारे लोग उसको ढूंढने के लिए कस्बे ढूंढने के लिए निकल पड़े पर वो किसी को नहीं मिला। प्यारे बच्चों तो जब कई दिन हो गए उन्होंने अब एक बात तय की कि उन्होंने उस गांव में उस खोए हुए आदमी का एक पुतला निर्माण कर दिया और ये तय किया कि अब से हम किसी भी प्रकार का जो फैसला है इसी पुतले के पास बैठकर करेंगे। और एक दिन उस गांव में जनगणना अधिकारी आया और जनगणना अधिकारी आने के बाद में जब उसने लोगों से अपनी जाति और अपने धर्म का पता पूछा तो उनको लोगों को ना अपनी जाति का पता था ना अपने धर्म का। इस प्रकार से उस खोए हुए आदमी ने वहां पर विकास कर दिया था। तो प्यारे बच्चों ये थी खोए हुए आदमी की
कहानी जो श्री सुशांत प्रिय ने बड़े ही वर्णनात्मक ढंग से बड़े ही स्पष्ट तरीके से अच्छे ढंग से जो है हमको यहाँ पर खोए हुए आदमी के माध्यम से समाज में प्रचलित कुरीति परंपरा जाति भेदभाव का हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार से उसने किस तरह से इसका नाश किया। तो बच्चों ये थी हमारी खोया हुआ आदमी पाठ क्रमांक दो, और यहाँ खोया हुआ आदमी पाठ पिता के नाम इस संग्रह से लिया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे नए आपको चैप्टर के साथ में। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।